इस दुनिया में कई देश हैं और हर देश में कई खूबियां हैं तो कई कमी भी है। इन देशों में से एक है न्यूजीलैंड। आपने आज तक दूसरे देशों के बारे में बहुत सी अजीब बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि किसी देश में इंसान से ज्यादा भीड़ रहते हैं? यकीनन आपका जवाब ना ही होगा। तो न्यूजीलैंड भले ही एक छोटा देश हो, लेकिन वहाँ ऐसी ऐसी और भी चीजें हैं जिसकी दुनिया भर में चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा बर्ड है जो टूरिस्ट के बैग से खाना चोरी करने के लिए वर्ल्ड फेमस है, जिसे प्यार से पहाड़ों का जोकर कहा जाता है। न्यूजीलैंड महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है, साथ ही यहाँ भ्रष्टाचार ना के बराबर है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की गिनती सबसे खूबसूरत देशों में होती है, जो अपनी शांति की वजह से तो जाना जाता ही है, लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ आपका मन मोह लेगी। तो आज हम आपको इस खूबसूरत देश के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो आपको पहले शायद ही पता होंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, चैनल से जुड़े नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशियन में स्थित एक आइलैंड कंट्री है। इसके दो मेन आइलैंड है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड। इसके निकटतम पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया, न्यू इंडिया, टोंगा और फिजी देश हैं। यहाँ की आबादी तकरीबन 48 लाख है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि यहाँ इंसानों की आबादी से ज्यादा भेड़ों की आबादी है। कहा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर हिसाब लगाया जाए तो हर इंसान के पास करीब 9 से 10 भेड़ आते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और वेलिंगटन इस देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। इनमें से न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज को संसद या किसी आधिकारिक सभा में भाषण देने के लिए तकनीकी रूप से इस्तेमाल किया जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जिसका अपना कोई लिखित संविधान नहीं है। पहले बने कानूनों को आधार मानकर ही यहाँ शासन चलाया जाता है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में राजतंत्र शासन किया जाता है, और आज भी न्यूजीलैंड की रानी एलिजाबेथ को ही माना जाता है, हालांकि अब ये केवल नाम की ही रानी है। वैसे तो न्यूजीलैंड बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन अगर आप यहाँ घूमने जाने की सोच रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें कि ये थोड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि इस देश के 100 न्यूजीलैंड डॉलर भारत के 5,200 रुपयों के बराबर है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में इंसानों से ज्यादा जानवर है। जी हाँ, सभी प्राणियों की कुल जनसंख्या मिलाई जाए तो न्यूजीलैंड में सिर्फ 5% ही इंसान की आबादी है। तभी तो इस देश का एक तिहाई हिस्सा नेशनल पार्क्स के नाम पर संरक्षित किया जा चुका है। वैसे तो न्यूजीलैंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है ही, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ के बीचेस और नाइट लाइफ आपका मन मोह लेंगे। तो अगर आप कभी न्यूजीलैंड जाएं तो बीचेस पर नाइट लाइफ को जरूर एंजॉय करिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूजीलैंड इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं को इज्जत दी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक यहां की महिलाएं सबसे सुखी महिलाएं होती हैं। इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड पहला एक ऐसा देश भी है जो महिला अधिकारों के मामले में असल में दुनिया का पहला देश बना था, जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1893 में ही दे दिया था। अब अगर आप न्यूजीलैंड घूमने जाएं, किया नाम के इस दिलचस्प पक्षी से बचकर रहिएगा, क्योंकि यह अक्सर पर्यटकों के बैग से खाना चुराने और कार के टायर को फाड़ देने में माहिर होता है। वैसे इसे पहाड़ों का जोकर भी कहा जाता है। इसके अलावा सबसे तेजी से बिजनेस शुरू करने के मामले में न्यूजीलैंड सबसे आगे है। अगर आप यहाँ कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो महज एक दिन में ही सारा पेपर वर्क पूरा करके आप उसी दिन से अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के अनुसार न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। वहीं माना जाता है कि न्यूजीलैंड के लोग डाउन टू अर्थ और बहुत ही ईमानदार होने की वजह से भी जाने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पर्यटन न्यूजीलैंड में सैलानी लाने के साथ साथ धन को लाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। प्रत्येक वर्ष पर्यटक देश की जीडीपी में 15 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। ये जानकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन न्यूजीलैंड का नेशनल ब्लू लेक दुनिया में सबसे साफ पानी वाला तालाब है। ये बात इस देश को और भी ज्यादा खास बनाती है कि इस लेक की विजिबिलिटी 80 मीटर के आसपास है। साफ सफाई की वजह से ये लेक एक अनोखा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का समय लेकर जरूर जाइएगा, क्योंकि भले ही ये देश बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ
कुछ है। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप यहाँ कार किराए पर लें। इसके अलावा आप यहाँ की लोकल बस सर्विस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इंटरसिटी न्यूजीलैंड की एक लौती ऐसी बस सर्विस है जो पूरी तरह से नेशनल कोच सर्विस जैसा काम करती है। तो ये थे न्यूजीलैंड से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट्स। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।